अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले जो दो वीडियो बनाए उसका टॉपिक बुनकर को ही लेकर था। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो बुनकर प्लस 2022 विधानसभा इलेक्शन का है। जी हाँ, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बुनकर को किसकी तरफ जाना चाहिए या वो किसकी तरफ जा रहा है या उसका कौन भला कर सकता है, उसको क्या करना चाहिए। इसके लिए हम उनके पास भी जाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं ही केवल आपको बताऊंगा और कुछ डिटेल्स जानेंगे। लेकिन अगले कुछ वीडियो में अब मैं सोच रहा हूं कि फील्ड में निकला जाए और बुनकरों से और मजदूरों से ये जानने की कोशिश की जाए कि आखिर 2022 विधानसभा इलेक्शन में वो किसके साथ है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं रह गया, लगभग 8 से 9 महीने रह गए हैं इलेक्शन को, यूपी इलेक्शन को। तो आप जान ही रहे कि इस समय यूपी के बुनकरों की, बनारस के बुनकरों की क्या हाल है। वो बुनकरी छोड़कर दूसरे लाइनों में अब जा रहा है, क्योंकि वो इतना पैसा नहीं कमा पा रहा है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके या अपने परिवार का खर्च चला सके दो टाइम का। इन्हीं कुछ मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे की बात सोचते हैं। तो बुनकरों से मैं एक सवाल ये करना चाहूँगा कि आखिर 2022 विधानसभा इलेक्शन में वो किन मुद्दों पर अपना उम्मीदवार चुनने की कोशिश करेंगे या क्या क्या उनकी मांगे रहेंगी। देखिए, मेरा जो ओपिनियन है वो ये कहता है, सबसे पहली उनकी मांग तो यही रहेगी कि पुरानी व्यवस्था को, बिजली की जो पुरानी व्यवस्था है उसको बहाल करने के लिए वो वोट देंगे। यानी कि जो भी पार्टी को वो चुनेंगे उनकी सबसे पहली मांग यही रहेगी कि पुरानी व्यवस्था को चालू किया जाए और बिजली जिस दर से थी उसी दर से आगे का भी भुगतान लिया जाए। दूसरा सवाल और दूसरा सबसे अहम मुद्दा, बिजली का तो मुद्दा बहुत ही छोटा सा है समझ लीजिए बुनकरों के लिए, लेकिन फिर भी सबसे पहली मांग उनकी यही रहेगी। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि इस समय बुनकर काम के लिए तरस रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा है। उसकी महीने में अगर 10 दिन मशीनें चल रही हैं तो 20 दिन बंद है, किसी की 20 दिन चल रही है तो 10 दिन बंद है, किसी की 15 दिन चल रही है तो 15 दिन बंद है। यानी कि काम उसको महीने भर नहीं मिल पा रहा है। तो दूसरी जो मेन चीज़ है और जो बिजनेस के लिए अहम चीज़ है वो ये कि ऐसी गवर्नमेंट का वो चुनेगा जिसकी बिजनेस स्ट्रेटजी ऐसी रहेगी और जो बुनकरों के हित में सोचेगा और ख़ास तौर से बुनकर जो तबका है उसके लिए सोचेगा और ऐसी रणनीति बनाने की कोशिश करेगी पार्टी। यानी कि बुनकरों की ये मांग रहेगी उस पार्टी से जिसको भी वो चुनेगा, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा ही क्यों ना हो, लेकिन बुनकरों के हित में जो सोचेगा उसको ये बुनकर चुनेगा। और ये बुनकर आज एक होकर रहेगा, बुनकर हो या कोई भी मजदूर वर्ग हो। यूपी में आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर लोग मजदूरी ही करते हैं और यूपी से लोग बाहर भी जाते हैं मजदूरी करने के लिए। यूपी बिहार का नाम ही लिया जाता है जब, तो लोग ये सोचते हैं कि ये दो राज्य जो हैं ये मजदूर वर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो ये जो दूसरा अहम मुद्दा है, बुनकर ये चाहेगा कि उसको महीने भर काम मिले और महीने भर काम मिलने के बाद जो मजदूरी उसको मिले वो बिल्कुल सही रेट मिले। ये नहीं कि जो 10 रुपये पर मीटर वाला है उसको 5 रुपये पर मीटर मिले या 50 रुपये पर मीटर वाला उसको 40 रुपये पर मीटर मजदूरी मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये आप ये मत सोचिए कि केवल आप जिसका काम कर रहे हैं वो आपकी मजदूरी बढ़ाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मजदूरी बढ़ाएगा लेकिन कब बढ़ाएगा, जब बिजनेस स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की ऐसी रहेगी कि जो भी प्रोडक्शन हो वो फुल्ली एक्सपोर्ट हो और फुल्ली एक्सपोर्ट हो और प्लस सही रेट पर एक्सपोर्ट हो, और तब जाकर कहीं हमारा बिजनेस चलेगा और जब ये पहिया चलेगा तभी हमें सही मजदूरी भी मिल सकेगी। तो ये दो मुद्दे जो है मेरी नज़र में बहुत ही ज़्यादा अहम हैं। और तीसरा मुद्दा जो है दोस्तों कि वो बुनकर के जो लोग हैं जो बुनकरी का काम करते हैं पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं है, उनके घरों में लोग पढ़ते नहीं हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, थोड़े से सयाने होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, उनको उसी लाइन में लगा दिया जाता है। यानी कि आप बुनकारी का काम करिए, यानी आप मजदूर बन कर रहिए। देखिए बुनकर, आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर पढ़ लिख लिए हैं तो बुनकर का काम छोड़ दें। देखिए बुनकर की श्रेणी में भी कई लोग होते हैं, एक होता है मजदूर वर्ग का तबका, जो मजदूर वर्ग है उसमें लोग ज़्यादा अपने बच्चों को डालने की कोशिश कर रहे हैं और डाल रहे हैं क्योंकि वो आज मजबूर हैं,
मजदूरी करने के लिए, वो मजबूर हैं मजदूरी कराने के लिए अपने बच्चों से, क्योंकि वो खुद इतना नहीं कमा पा रहे हैं कि वो अपने घर का भरण पोषण कर सके। इसलिए जैसे ही बच्चा उनका बड़ा होता है थोड़ा सा, वो पावर लूम में लगा देते हैं या किसी भी मजदूरी वर्ग में लगा देते हैं। तो मैं ये मेरी ये मांग है, मेरा ये ओपिनियन है कि मजदूरों बुनकरों की अब ये सोच होनी चाहिए कि मजदूरी से निकल कर, मजदूरी से हट कर बुनकर का ही काम वो करें, लेकिन वो अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करें और खुद इस काबिल बने कि वो थोड़ा सा बड़ा बिजनेस कर सके। वो मजदूरी वर्ग में ना रहे, मजदूरी श्रेणी से निकल कर वो बुनकर के जो बड़े तबके होते हैं उसमें आने की कोशिश करें। और ज़्यादातर ऐसा तबका है, आप जानते हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो मजदूरी ही करते हैं और बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं बिना पढ़ाई लिखाई किए वो उसी काम में लग जाते हैं। तो ये बहुत ही तीन बहुत ही अहम मुद्दे हैं। पहला ये कि बिजली की पुरानी समस्या, पुरानी जो व्यवस्था उसको बहाल की जाए। दूसरा ये कि बिजनेस स्ट्रेटजी को ऐसा बनाया जाए कि महीने भर काम मिले और सही मजदूरी के साथ मिले। और तीसरा ये कि वो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकें। ये तीन बहुत ही अहम चीज़ है जिसको मद्देनज़र रखते हुए बुनकरों को आगे अपनी गवर्नमेंट चुननी होगी विधानसभा इलेक्शन में। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब मैं आगे जो कोशिश करूँगा वो खुद मैं जाऊँगा बुनकरों के पास, जहाँ भी देखूँगा कि बुनकर मजदूर वर्ग रहता है वहाँ पे मैं जाऊँगा, उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर वो किस हाल में इस समय रह रहे हैं और उनकी मांगे क्या है आगे आने वाले विधानसभा इलेक्शन में जो भी गवर्नमेंट बनेगी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट भी जब वो वीडियो देखेगी, गवर्नमेंट को लोग जब वो वीडियो देखेंगे तो वो उस हिसाब से रणनीति तय करेंगे और उस हिसाब से वो अपना मैनिफेस्टो तैयार करेंगे ताकि आने वाले इलेक्शन में वो उस वादे को पूरा कर सकें। तो बस यही कुछ बातें थी। आपको भी अगर कुछ अपनी तरफ से राय देनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं कि मेरे दिमाग में वो सारे आइडियाज़ आए ही जो आपके भी दिमाग में आए। तो आप अपनी भी रणनीति ज़रूर बताएं, अपनी भी राय ज़रूर दें, और अगर आपको ये सुझाव सही नहीं लगा हो तब भी बताएं, हमें ज़रूर बताएं, हम अपनी राय को बदलने की कोशिश करेंगे। और अगर आपकी राय अच्छी लगी तो उसको भी रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक मिलकर हम नहीं चलेंगे, जब तक एक दूसरे पर ब्लेम करते रहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।